अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो है रिको एमपी, रिको ऑफिशियो एमपी 301 एसपीएफ के बारे में। तो आज हम आपको इसका क्विक रिव्यू देंगे, इसकी टोनो रिफिलिंग, टोनो रिप्लेसमेंट, रमिनो रिप्लेसमेंट, पेपर जैमिंग, हर चीज़ बताएंगे। तो ये हमारी मशीन है। बात की जाए तो लीगल साइज़ से जो है इसका ग्लास है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी मशीनें भी पूरी हुई हैं लीगल साइज़ में, मगर आज का रिव्यू 301 के बारे में है। ये इसका कॉपियर है, इसके अलावा ये इसका स्कैनर है और ये इसका प्रिंटर है। सारी चीज़ें रेडी हैं। इसके अलावा मशीन जब ऑफ होगी तो आपने यहाँ से मशीन को जो है ऑन करना है। ये साइड पे इसका ऑन ऑफ का बटन है, मशीन ऑन हो गई है। और ये इसका फॉर्मेटर कार्ड है, ये वाली इसकी नेटवर्किंग पोर्ट है, ये इसकी यूएसबी पोर्ट है। तो ये देखें, ये सारी मशीन है। इसके अलावा ये इसका ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर है। इसके अलावा बैक से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये साइड पे इसके बाईपास है। ये इसका टच पैनल है जो कि मूवेबल है। और 301 है, 30 PPM है, एक मिनट में 30 कॉपीज़ करती है। इसके अलावा बात की जाए टोनर की, तो ये देखें, फ्रंट डोर ओपन करें, यहाँ पे सामने ही आपको इसका जो है टोनर नज़र आता है। ये देखें, ये इसका टोनर है। इसके साइड पे लोग होता है, ऐसे ही आप बाहर खींचें, ये बोतल लगी हुई है टोनर की। आप इसको ऐसे करके यहाँ पे ये बोतल आपकी बाहर आ गई। इसमें टोनर का बैग हमसे मिल जाएगा, वो बैग डालें और दोबारा जो है रिफिल करके ऐसे ही आप लगा लें। ये चीज़ आपको एचपी में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ रिको में ही होती है कि रिफिलिंग आपकी इजीली हो जाती है। तो ये देखें, ये इसकी फर्स्ट ट्रे होती है, यहाँ पे आपको एक पूरा रिम लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लीगल नहीं लगता, लीगल ये इसके लिए बाईपास होता है। ये देखें, ये बाईपास ट्रे है, यहाँ पे आप लीगल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लीगल पेपर लग जाता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आप कैसे पेपर लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको चारों तरफ से मशीन दिखा देता हूँ। ये मशीन है यार, वो उसका प्रिंट एक्सेप्टेबल है, इसकी साइड है। इसके अलावा ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर केबल लगती है। और ये देखें, ये मशीन के साथ जो बाहर से गए हैं, कंडीशन, इसके सर्विस बुक है, यूज़र मैनुअल है, सारी चीज़ें आई हैं मशीन के साथ। ये देखें, ये देखें, ये इसमें ही लगी हुई होती है। और ये दूसरी साइड है इसकी मशीन की। आइए चलिए, अब मैं आपको इस मशीन का काउंटर और दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। ये अब हम होम पे हैं, काउंटर निकालने के लिए इसमें जाएंगे, इसके अलावा इधर जाएंगे, नीचे ये काउंटर लिखा है, काउंटर पे क्लिक करेंगे, प्रिंट काउंटर लिस्ट एंड स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारा पेपर काउंटर आ गया। ये देखिए, जैनमन A1 रिजल्ट है प्रिंटर का। ये देखिए, 100% एक्यूरेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेटी स्केल नंबर भी हमारे ऑफिस का एंटर है। ये देखें, इसके अलावा कॉपी करने के लिए आप ऊपर लगाएं ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर में। और ये अब हम सिंपल कॉपियर में गए, कॉपियर में जाकर ट्रे सेलेक्ट की, ऑटो डेनेस्टी पे है। इसके अलावा सारी इसमें जो है ऑप्शंस आ रही हैं, आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट करें, ये ऊपर से पेपर पिक करेगा और नीचे से ट्रे वन सेलेक्ट है, तो इधर ओरिजिनल आ जाएंगे और नीचे आपका जो है कॉपी आ जाएगी। ये देखें, ये इसकी कॉपी है और ये इसके ओरिजिनल है, दोनों में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बकाया इसका टोनर रिफिलिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जब आपने ADF इसके उसमें पेपर लगाना है, आपने इसकी बाईपास ट्रे में, सबसे पहले आपको पेपर चाहिए होगा बाईपास ट्रे में पेपर लगाने के लिए। यहाँ से आप पेपर ले लें ट्रे वन में से, यहाँ से आप बाईपास की ट्रे ओपन करें। ये लोग लीवर हमारा ऊपर ही है, लीवर ओपन करके जो ब्लैंक साइड है वो आपकी ऊपर आएगी। ये देखें, यहाँ पे हमने पेपर लगाने के बाद इसको यहाँ से लॉक कर देना है। इसके अलावा इसके नीचे भी ट्रे है, ये देखें, ये बाहर आ जाएगी। और यहाँ से आपका बिल्कुल बाईपास सेलेक्ट करना चाहिए आपको, जब आपने बाईपास से प्रिंट करना है तो ऊपर आपने डॉक्यूमेंट लगाना है। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ये ऊपर डॉक्यूमेंट लगाया, यहाँ से सेटिंग की, बाईपास की, रिड्यूस एंड लार्ज, सारी ऑप्शन रही है। देखिए, यहाँ से पेपर लगा हुआ है और मैं सिंपली स्टार्ट कर दूँगा। इसने ऊपर से लिया और ये यहाँ से पेपर लिया बाईपास प्रिंट तक। तो बिल्कुल लीगल में भी ऐसे ही होगा, लीगल आपका बाईपास में लगेगा। ये देखिए, ये आपकी कॉपी हो गई। इसी तरह इसमें ID कार्ड की भी कॉपी, बहुत ईजी है,
आईडी कार्ड की भी कॉपी मैं आपको 20 में समझा देता हूँ। आईडी कार्ड के लिए आपको 1-2 साइड और 2-2 साइड करना पड़ेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट और बैक साइड करनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे 2-2 साइड को। इसके अलावा अगर आपने ओरिजिनल आपकी फ़ोटो है तो यहाँ से आप सारी चीज़ें जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी ऑप्शन दे रही होगी। मशीन में आईडी कार्ड की कॉपी करने के लिए सिंपली हम कॉपियर में जाएंगे। कॉपियर में जाने के बाद यहाँ से 2 साइड सेलेक्ट करेंगे, ये लार्ज को हटा देंगे। इसके अलावा इसमें ये डेनिस्टी की ऑप्शन है, यहाँ से डेनिस्टी ज़्यादा कर लेंगे। और सबसे पहले जो हम आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड को इधर फ्रंट पे रखेंगे इस साइड। ये देखें, ये यहाँ पे हमने आईडी कार्ड प्लेस किया। आईडी कार्ड को अपने आप में थोड़ा सा मार्जिन दे देना। यहाँ से आईडी कार्ड रखने के बाद ये सिंपल स्टार्ट किया, एक साइड स्कैन हो जाएगी आपकी। एक साइड स्कैन करने के बाद वो खुद आपको कहेगा कि अगली साइड देखें, वो कह रहा है प्लीज़ नेक्स्ट रिवीजन। नेक्स्ट रिवीजन करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड को उठा के सिंपली ये इस जगह पे रख देना। ये देखें A4 पे, ये A4 पे रख दिया, जितना मार्जिन वहाँ से दिया था इतना ही मार्जिन आपने यहाँ से दे देना। और इसके अलावा सिंपली आपने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये देखिए, नीचे से इसने पेपर लिया, पहले एक साइड निकाल लिया, अब दोबारा जा रहा है डुप्लेक्स, ये दूसरी साइड स्कैन कर रहा है। ये हमारा आईडी कार्ड की कॉपी आ गई। इसको अभी तो ये लाइट है, इसको आप डार्क भी कर सकते हैं। ये आईडी कार्ड की कॉपी होगी। इसके अलावा इसमें बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़ भी हैं जो प्रॉपर वर्किंग में, अभी देखें पेपर नहीं है तो ये पेपर कैसे नहीं ले रही, ठीक है। तो अगर इसमें पेपर जाम हो जाता है तो पेपर जामिंग के लिए आपने ये साइड डोर है इसका, ये यहाँ से ये ओपन होता है। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो है पेपर जो होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और ऊपर आपको स्क्रीन पे साइन भी देगा कवर ओपन को। तो आप इसको पेपर निकाल के ऐसे ही बंद कर लेंगे तो इसकी स्क्रीन जो है रेडी हो जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे से जो है बड़ी मशीन है A3 साइज़ में कलर, बड़ी मशीन है हैवी ड्यूटी 80 PPM। इसके अलावा क्योसीरा टास्क अल्फा जर्मन 220 में UK में, इसके अलावा कलर में 281425 सारी मशीनें मिल जाएंगी। छोटे स्कैनर्स मिल जाएंगे लीगल साइज़ A4 साइज ट्रे वाले, कलर प्रिंटर्स मिल जाएंगे HP का 10-12, सारे प्रिंटर्स जो हैं वैरायटी अवेलेबल है इस टाइम। तो लीगल साइज़ में 4555 मिल जाएगी, 630 मिल जाएगी और सारी दूसरी मशीनें। इसके अलावा 171161602 3015 5200 A3 साइज़ प्रिंटर HP का 4015 और दूसरे प्रिंटर, ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी है और भी जिस भी भाई को चाहिए, ये देखें जैसे ये भी पार्सल रेडी हुआ, ये भी जा रहा है, ऐसे आपको जितने भी जो भी चीज़ चाहिए वो आपकी आपके साइट पे भी मिल जाएगी। आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।